जी पहले आज हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे इनके बर्थडे पे, और ये क्वेश्चन पूछा है आप ही लोगों ने। आज से आई थिंक 2 या 3 महीने पहले मैंने कम्युनिटी में पूछा था कि मैं क्यों इन्हें वीडियो बनाना चाहती हूँ, इनके साथ आप लोग क्वेश्चंस पुट ऑन करना। तो कम्युनिटी में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, प्लस 18 से 20 इंस्टाग्राम पे भी आए थे जो मैंने पूछे थे। सो जो सेम क्वेश्चंस हैं उनको एक मैं मान के पूछूंगी इनसे, और विद नाम के साथ भी। और तो चलिए शुरू करते हैं। क्यू एन ए हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा मुझे नहीं पता, ये कंफर्टेबल है कि नहीं है, क्योंकि अभी मैंने इनसे पहले से कुछ बात नहीं की, ना सिखाया पढ़ाया कुछ नहीं किया, इवन क्वेश्चंस भी नहीं बताए। तो मुझे भी मैंने 2-3 महीने पहले पढ़े थे, और आज मैं दोबारा से पढ़ने आ रही हूँ, मेरे को भी याद नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ये करूंगी, बट एक इंस्टेंटली ये चीज आई तो मैंने सोचा लॉक कर लेते हैं। क्लियर आ रहा है? सवाल पूछने से पहले कितना आधे घंटे में खत्म हो जाना, नीचे रख लो क्या? ओके गाइस, सो मैं इनको पकड़ के ले आई हूँ, इधर देखो ना कि ये सवाल के जवाब दे। सो विश हिम हैप्पी बर्थडे, आज इनका बर्थडे है। एक्चुअली सवाल पूछने से पहले मुझे हंसी आ रही है, और ये सवाल आप ही लोगों ने भेजे हैं। सो आफ्टर 3 मंथ्स मैं पढ़ने जी बोटो 3 महीने बाद मैं पूछने जा रही हूँ, थोड़ा पास में आ जाओ। रेडी कौन गए? मैंने इसलिए तो भेजे थे। चलो तो फर्स्ट सवाल ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन है निकी जोशी का, और के डियर आप दोनों एक दूसरे से कैसे मिले, और प्रपोज पहले किसने किया, और आगे है आप और आप दोनों के रिलेशनशिप में गुस्सा होने पर मनाता कौन है। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दिन भर में आई लव यू कौन ज्यादा बोलता है आप दोनों में से? आप बोलो। तो पहला था क्वेश्चन कि आप एक दूसरे से कैसे मिले, कैसे मिले? फेसबुक पे मिले थे। ओके, ये थोड़ा स्लो बोल रहे हैं तो मैं रिपीट कर रही हूँ, फेसबुक पे मिले थे, ठीक है। देन है कि और आप दोनों रिलेशनशिप में गुस्सा होने पर मनाता कौन है, नहीं प्रपोज पहले किसने किया था? मैंने किया था। इन्हीं ने किया था। और आप दोनों और आप दोनों के नहीं, हाँ गुस्सा होने पर मनाता कौन है? मैं ही मनाता पहले। गुस्सा होती ही नहीं हो। देन जैसे मैं हमेशा आपसे पूछती हूँ कि आपकी ग्लोइंग स्किन का राज क्या है, प्लीज बताओ। ये मैं बताओ आपका जी। तो मेरी ग्लोइंग स्किन का राज है यही, ये मुझे खुश लगते हैं तो मैं अच्छी रहती हूँ। सो इवन मैं एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी कि आफ्टर मैरिज अगर किसी की अगर किसी भी लड़की के फेस पे ग्लो रहता है, खुश है, तो जरूर वो अपने लाइफ में बहुत खुश होगी, तब जाके ग्लो होता है। और क्रीम पाउडर वगैरह तो ये चीज अलग बात है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में खुशी हो तो ही आप अच्छे दिख सकते हो और दूसरों को खुश रख सकते हो जब आप खुद खुश होते हो। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा था आरती हिवाले ने, डी करके क्वेश्चन आया कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है और आप भी, और आप सबसे अनोखा चीज के लिए ट्राई करती हो, सब कुछ भी आपको मिलता है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो हम लोग रेसिपी देखे हैं के लिए मिलता है, आप ऐसे ही आगे जाएंगी। एक बात और बताइएगा, आप दोनों में से सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है, और पहले कौन सुनाता सुनाता हो जाता है, ज्यादा गुस्सा किसमें है, ज्यादा गुस्सा किसमें है? हम दोनों का अलग अलग तरीके का गुस्सा है, मेरा लाउड है, इनका साइलेंट है, इनका गुस्सा ऐसा है कि पता नहीं चलता है कि गुस्सा है, मेरा गुस्सा क्या है यूं आता है और यूं चला जाता है, मुंह से बस बड़बड़ करके फिर खत्म, और इनका तो गुस्सा 2 दिन बाद
करता है कच्चा और गुस्सा भी होंगे और जो रोजमर्रा की चीजें होती है ना, बोलना चालना, चाय पीना, पूछना ताछना, सब कुछ करेंगे। जैसे एक इंसान गुस्सा होता है तो ऐसा होता है ना, थोड़ा व्यवहार में फर्क आ जाता है, या बोलता नहीं है, या शांत बैठा रहता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे गुस्सा से पहले नॉर्मल लाइफ में रहते हैं, वैसे गुस्से में भी रहते हैं, तो पता नहीं चलता है कि गुस्सा है कि नहीं है। बातों बातों में हफ्ते भर बाद पता चलता है। सपना सिंह का है, ओके दीदू, फर्स्ट यू बोथ लुकिंग गॉर्जियस, जो पिक में इन्होंने, इस पिक में मैंने पूछा था क्वेश्चंस कम्युनिटी पे, तो उसी में इन्होंने लिखा है। एंड दीदू दीदू सुशील जी की क्वालिफिकेशन एंड आपका सेकंड बेबी प्लान कब तक, और दीदू आप सिंगल हो या और भाई बहन है? ओके, सुशील जी की क्वालिफिकेशन नहीं पता मुझे, सीरियसली नहीं पता। आज आपने क्वेश्चन उठाया तो मैं पूछ लेती हूँ, मैंने पूछा ही नहीं, क्योंकि कहते हैं ना जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे ये पूछा जाता है कि भैया कितना कमाते हो, क्वालिफिकेशन मैंने पूछी ही नहीं है, मुझे इतना पता है मेरी इनसे ज़्यादा है। बट ये मुझसे ज़्यादा सौक ना इंटेलिजेंट है दिमाग से। लर्न एट होम स्कूल मंजूरानी, ये सपना सिंह ने पूछा था। लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। हाय प्रियो, आप दोनों की मैरिज कब हुई और तुम इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो? बबीता शाक क्या करके, हम लोगों की मैरिज 2015 में हुई है एंड हम इतने ब्यूटीफुल कैसे हैं? ये जैनेट है क्या? मेरी मम्मी भी बहुत सुंदर है क्योंकि। मिसेस पूनम डी, आपके पापा से कभी मिलते हो या मिलना चाहोगे कभी? मैं अपने फादर से कभी नहीं मिलती हूँ और इस जन्म में तो नहीं मिलना चाहूंगी, इवन अगले 7 जन्म भी। प्रीति आर कुमार का है, हाय दी, मेरा सवाल है, आप सेकंड बेबी का प्लान करोगे? अब पूछा तो सेकंड बेबी अभी जवाब दिया मैंने, होगा तो 21 में, अदरवाइज वी आर नॉट प्लानिंग। पिंकी कुमारी वेरी ब्यूटीफुल। खुशी ने पूछा, आप दोनों में से प्रपोज किसने किया और आप दोनों में भी और हस्बैंड वाइफ के जैसे नोकझोंक होती है एंड कितना टाइम चलती है वो? क्या था क्वेश्चन, प्रपोज कैसे नहीं की शक्ल लगती है क्या? क्योंकि आपका दिल सुंदर है इसलिए मैं आपको प्यारी लगती हूँ, क्योंकि जब इंसान खुद अच्छा होता है तो उसमें सामने वाले को भी वो पसंद ही आता है, उसमें सारी खूबियां लगती है, इसीलिए। मेरा क्वेश्चन है, इतने नेगेटिव कमेंट्स देखकर आप कैसे पॉजिटिव रहते हो? कैसे रहती हो? पता नहीं, मेरे ख्याल से क्योंकि मेरे लाइफ में इतनी खुशियां हैं कि वो नेगेटिव कमेंट ना 0% लगती है, और मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उनके ऊपर बैठूं, रोऊं, पढ़ाऊं। सबक जरूर सिखाती हूँ, जरूर उनको हो गया ना क्या, नहीं आ रहा वो वर्ड, नहीं आ रहा। बट यार मैं दुखी बुखी तो नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ उनकी अच्छी तरह से क्लास जरूर है जीकू को। बट उनकी अच्छी तरह से क्लास जरूर लेती हूँ, बहुत मजा आता है उनको सबक देने सिखाने में। आपकी स्किन बहुत अच्छी है, आप उसके लिए क्या करते हैं प्लीज शेयर? मैं उसके लिए क्या करती हूँ, ढेर सारा पानी पीती हूँ और खुश रहती हूँ और हंसती हूँ, बस ये 3 काम करती हूँ। डांस काफी पसंद है, तो आप ये बताएं कि डांस का इंटरेस्ट आपने कब से आया और आपने डांस कैसे सीखा? और हाँ, मुझे आपका फुल डांस देखना है, मुझे पता है कॉपीराइट आ जाएगा, बट फिर भी आप एक फुल डांस वीडियो बनाए, और सॉन्ग होगा गेंदा फूल, ये वाला करा है मैंने, हाँ थोड़ा सा किया, 1-2 मिनट के लिए किया है बस। ओके जस्ट ब्यूटी जरूर बताऊंगी, ये तो जवाब क्या दिया आपने, कुछ दिए ही नहीं है, सारे सवाल मैंने ही जवाब दिए हैं। चलो इंस्टाग्राम के एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके, ये KHBS परेश ने पूछा, आप सेकंड बेबी के लिए क्या प्लान है और आपकी मम कब आएंगी आपके पास? मम्मी मेरी आएंगी दिसंबर में, मदर लॉ आ चुकी हैं, और ये बहुत पहले पूछा गया था, आफ्टर 4 मंथ पहले का है क्वेश्चन, क्योंकि तभी मैं सोच रही थी बनाने के लिए, Q&A तो बन नहीं पाया। शान्या, हाय प्रियो दी, हाउ आर यू? आई एम मिसिंग यू फॉर द फर्स्ट टाइम, द क्वेश्चन है, बिकॉज आई डोंट बी दैट मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। आप बहुत अच्छे हो और आपकी फैमिली भी, और आप प्यारा जीवन भी। ओके
आई लाइक जिगर ऑन का आई लाइक वॉचिंग योर ब्लॉग एंड नेचर इज वेरी नाइस ऑलवेज कीप स्माइलिंग स्माइलिंग एंड लाफिंग एज यू डू ऑलवेज अच्छा लगता है टेक केयर मच लव टू यू. तो इनसे इन्होंने बस ये मैसेज किया था क्योंकि मैंने इंस्टा स्टोरी पे डाला था आस्क मी एनीथिंग. ओके शशि07 इन्होंने बोला है क्वेश्चन नहीं पूछा नो क्वेश्चन डियर क्योंकि YT पे बस एक आप ही हैं ऐसी जो जिसकी लाइफ क्रिस्टल की तरह क्लियर है. आपने अपनी लखनऊ फैमिली का भी सब बताया हुआ है और शशि भाई की फैमिली का भी सब बताया है. सो नो क्वेश्चन बस ऐसे ही ऑनेस्टली व्लॉग बनाते रहो. मे गॉड ब्लेस योर फैमिली स्पेशल लव फॉर जीकू लव यू जिंदगी थैंक यू सो मच. ओके गाइस सो ये था हमारा छोटा सा Q&A इनसे क्वेश्चन. सारे सवाल तो मैंने ही जवाब दिए यार. मैं सोच रही थी आज इनको तंग करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट इज ही ट्राइड. और लेकिन सिर्फ एक दो ही क्वेश्चन का जवाब दिया बाकी मैंने ही दिए. मुझे इतनी बोलने की जो आदत है कि मैं खुद ही भूल गई थी कि इनको मुझे परेशान करना था बट मैं ही बोल गई सब. सीरियसली आपको पूछना चलो आप सेल्फी वगैरह खींच लें फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ. ओके इनको पानी वानी पिला मत कर. और ये हमारा लाल लाल मेरा राजा बेटा बोलो हैप्पी बर्थडे पापा आई लव यू. चलो गाइस मैं मिलती हूँ थोड़ी. और सुशील जी थैंक यू बोलना है सबको. थैंक यू के लिए बोलो तो भी इनको हंसी आ जाती. एटलीस्ट थैंक यू तो बोल दो यार तब अभी नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बर्थडे विश करेंगे. चलो थैंक यू के एहसान दिखा रहे हो क्या है बोलो थैंक यू. थैंक यू तो जेठालाल की तरह थैंक यू बोल रहा. ओके गाइस सो ये था छोटा सा Q&A वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना. चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ. तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड कीप ऑलवेज स्माइलिंग और खुश रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें. सबसे पहले खुद से प्यार करें. तब तक के लिए बाय टेक केयर लव यू ऑल. पैंटी लाइनर्स बहुत ही कम लोग जानते होंगे और बहुत सारे लोग भी जानते होंगे बट इससे जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूं. तो आप देख सकते हैं पैंटी लाइनर्स क्या होता है. पैंटी लाइनर्स एक मिनी वर्जन होता है पैड का. सो जब हम हमारा पीरियड होता है उस टाइम पे हम पैड इस्तेमाल करते हैं. कुछ लोग मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग टैम्पन इस्तेमाल करते हैं जो जिसमें कंफर्टेबल है. बट कभी कभार क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमारा पीरियड आने वाला है बट हमें डाउट रहता है और हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो क्या कर सकते हैं. ऑब्वियस ये सारी तीनों चीजें हम इस्तेमाल करेंगे तो अनकंफर्टेबल होगा उस वक्त पे जब हमारा है ही नहीं है. उस टाइम पे आप पैंटी लाइनर इस्तेमाल कर सकते हो कि मेडअप ऑफ होता है 100% कॉटन से. एक छोटा सा मिनी पैड होता है जो कि कॉटन से बना होता है बिल्कुल पतला होता है बिल्कुल रुई की तरह होता है क्योंकि जब आप